हेलो गाइस, आज के इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और दोस्तों इसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गूगल फॉर्म की मदद से आप अपने दोस्तों से कलेक्ट ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अपने स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से किस प्रकार से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो हमें सबसे पहले ओपन करना होगा अपना गूगल अकाउंट। जैसा कि आप ही देख पा रहे हैं मेरा गूगल अकाउंट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। फिर आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि आप ही देख पा रहे हैं, सर्च बार। इस पर आपको क्लिक करना है और टाइप करना है गूगल फॉर्म। तो हमने ये क्लिक कर दिया, सबसे ऊपर आएगा गूगल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आते ही आपको ये चीज़ दिखाई देने लगेगी, जैसे कि आप ही देख पा रहे हैं, गूगल फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर, अंडरस्टैंड। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने टू ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि दिखाई दे रहा है ट्राई फॉर्म फॉर्म वर्क, और एक दिखाई दे रहा है गो टू फॉर्म। तो देखिए, हमें फॉर्म फिल करना है, फॉर्म बनाना सीखना है और दूसरों को शेयर करना है। सब कुछ मैं आपको पूरा जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा वीडियो। तो हमने क्या करना है, गो टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। गो टू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा अनटाइटल फॉर्म। तो देखिए, अनटाइटल फॉर्म को रिमूव करना है, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि क्या आप फॉर्म बना रहे हैं या किसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हम डाल देते हैं अपने चैनल का नाम A1 टैग। अब देखिए, नेक्स्ट आ रहा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन देना, मतलब जो टेस्ट बनाया है आपने उसके बारे में, कि किसके बारे में ये टेस्ट है। तो हम लिख देते हैं ओनली डेमो टेस्ट। लिख देने के बाद अब आपके जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं अनटाइटल क्वेश्चन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अपने टेस्ट के थ्रू पूछा जाते हैं। तो आइए मैं पूछ लेता हूँ आपका क्या नाम है, ये मैंने पूछ लिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप लोग शॉर्ट आंसर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आपने लिखा उसका आंसर कैसे चाहते हैं आप, शॉर्ट आंसर में, पैराग्राफ में, मल्टीप्लाई चॉइस, ये सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, हमने प्रश्न पूछा है आपका नाम क्या है, तो शॉर्ट आंसर होगा, तो आप शॉर्ट आंसर क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने यहाँ पर यह आ जाता है रिक्वायर्ड का। अगर आपने जो भी प्रश्न पूछा है इसे मैंडेटरी करते हैं, मतलब ये आपको कन्फर्म आंसर देना होगा, तो उस पर आपको रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे आप ये फॉर्म भरवाना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य के रहने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऑप्शन दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे देने हैं मल्टीप्लाई चॉइस देनी है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम। मल्टी चॉइस ऑप्शन दें, आपको चेकबॉक्स दें, ड्रॉप डाउन दें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहले ड्रॉप डाउन क्या होता है। देखिए, ड्रॉप डाउन में आप अपने ऑप्शन लिख सकते हैं, उसके अनुसार आंसर आपको दे दिया जाएगा। चलिए लिखते हैं ऑप्शन वन में, मैं लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश। देखिए, कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, अगर आप जरा सी मिस्टेक्स करेंगे या फिर आप स्किप करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि नंबर वन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन हमने दे दिया महाराष्ट्र, थर्ड हमने ऑप्शन दे दिया दिल्ली यानी दिल्ली, और चौथा हमने दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप जितने चाहे ऑप्शन दे सकते हैं, मुझे चार देने थे, हमने दे दिए। देन उसके बाद ये फिर से पूछेगा रिक्वायर्ड करना है या नहीं, ऑफकोर्स रिक्वायर्ड करना है, क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको दो क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप इन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन लिखे या आपने क्वेश्चन दिए किस तरह से दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू कहाँ पर, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई क्लिक कर दीजिए।
अप्लाई करने बाद आप देखिए जो आपके क्वेश्चन है इस तरह का दिखाई देने लगेगा, जैसे कि एवन टेक ओनली डेमो टेस्ट, आपका क्या नाम है, आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, आप किस राज्य से हैं, ये ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। बट हमें और भी क्वेश्चन देने हैं तो हमें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन और देते हैं। अब हमें क्वेश्चन देना है आपकी जन्मतिथि क्या है, देखिए पूरी जानकारी देने वाला हूँ विस्तार से, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और सुनना है। आपकी जन्मतिथि क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग काफी फायदा होगा, जैसे कि ये ऑप्शन आते हैं, ये देखिए मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखता है डेट का, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा डेट क्लिक कर देना है। डेट क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चन फॉर्म फिल करेगा स्टूडेंट या फिर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट वाला जिसे आपने सेंड किया है वो आसानी से अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकता है, इसे भी रिक्वायर कर दीजिए और ऐड करते हैं क्वेश्चन। और अब देखिए आपको यहाँ पे करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पूछना है, ठीक है, रिव्यू लेने हैं तो आप लिख दीजिए आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको ये पूछना है, ठीक है। आप इसके हिसाब से जैसे कि आपने देखा होगा रिव्यू होते नहीं है, जैसे 5 रिव्यू 4 रिव्यू इस तरह के रिव्यू दिए जाते हैं, वो भी आपको ऑप्शन दिख जाता है, जैसे कि लिख आ रहा होगा एक दिखता है आपको लाइनर स्केल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब लाइनर स्केल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेवल पूछेगा, 1 to 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो 1 नंबर पर हमें लिखना बहुत बेकार लगी है, बेकार वीडियो लगी, दूसरे लिखना हमें बहुत अच्छी वीडियो लगी है वाली, बहुत अच्छी आपने लिख दिया, नंबर 1 सबसे बेकार हो गया आपका, नंबर 1 पे बेकार और 5 नंबर पे हो गया बहुत अच्छी, तो इस तरह से कर सकते हैं और रिक्वायर्ड कर दीजिएगा अगर आपको ये कंपलसरी पूछना है। देन उसके बाद आप देखिए हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर दिए, 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, इस तरह से जितने चाहें आराम से टेस्ट क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपने चलिए देख लेते हैं एक बार, आइए फिर देखने के लिए क्या करना होगा, रिस्पॉन्स आपको दिखाए, प्रीव्यू पर क्लिक करिए, प्रीव्यू अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद ये आपका टेस्ट तैयार है, देखिए जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब आपको ये सेंड करना है किसी के लिए, है ना, तो सेंड करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि ये आपको ये ऑप्शन दिखाई देना है बीच वाला, इस पर आपको क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक तो आप ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं, देन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बीच में साइड में यानी कि अनलिस्टेड, इस पर क्लिक करने के बाद अब जो आपका टेस्ट बनाया आपने, जो आपने गूगल फॉर्म तैयार किया है इसकी लिंक आ जाएगी और इस लिंक को शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, आपकी जो लिंक हो गई है शॉर्ट और उसे कॉपी कर लीजिए और किसी को भी आप अपना ये सेंड कर सकते हैं। तो फाइनली आपका गूगल फॉर्म तैयार हो गया है, चाहे आप टेस्ट लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए जो भी आपका टेस्ट था या आपका फॉर्म था कंप्लीट हो गया, लिंक आपके सामने तैयार है, अब आपको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने जिसे आप ये फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं उसे आसानी से साइन कर सकते हैं और उसके द्वारा आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज को आपकी ये खास वीडियो, अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का क्वालिटी कंटेंट लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।